हाय फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत सारे टॉपर स्टॉक्स और सक्सेस स्टॉक्स देखे होंगे यूपीएससी से रिलेटेड, और आपको काफी मोटिवेशन भी आया होगा कि हम भी एक दिन टॉप करेंगे और हम भी ऐसा टॉपर स्टॉक्स देंगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग, जो टॉपर स्टॉक में बताया जाता है और जो रियल यूपीएससी प्रिपरेशन के प्रॉब्लम्स हैं एवरेज एस्पिरेंट्स के, वो काफी डिफरेंट है। आज मैं आपको इस टॉक के माध्यम से, इस टॉक का नाम मैंने रियल प्रिपरेशन टॉक रखा है, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा जो एवरेज एस्पिरेंट बार बार मेक कर रहा है, क्योंकि वो टॉपर स्टॉक और सक्सेस स्टॉक को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है और उस मिस्टेक के कारण वो प्रिपरेशन लूप में बहुत सालों से है और से उसे कुछ कुछ उसका आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो रिसेंटली एक बच्चे ने मेरे को अप्रोच किया था कि सर, मैंने रिसेंटली आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लिया है और आपका पहला टेस्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का मैंने दिया और मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं, मैं बहुत डर गया हूं कि मेरा क्या अगले साल प्रीलिम्स निकल सकता है। तो मैंने जनरली जब भी मेरे को कोई अप्रोच करता है मेंटरशिप के लिए, तो मैं पहले बात क्या करता हूं, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री पूछता हूं कि तुमने तैयारी कब स्टार्ट की, किस किस इंस्टीट्यूट में तुमने तैयारी की है, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट कैसा रहा है। तो मैंने उससे जब उसकी स्टोरी पूछी तो उसने बोला कि सर, मैंने 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाते ही मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज ले लिया था और मैंने अपना ऑप्शनल क्लास लगा लिया था, एक साल मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज दिया और ऑप्शनल का बैच किया, बट उस साल 2023 में मैं एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को एग्जाम में उतना कॉन्फिडेंस नहीं बना, 2024 में मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी तो 2024 का भी मैंने एग्जाम नहीं दिया, और अब मैं 2025 की तैयारी कर रहा हूं, पर जब मैंने आपका टेस्ट सीरीज लिया और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला टेस्ट दिया तो मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो गया है कि क्या मैं अगले साल भी प्रीलिम्स निकाल सकता हूं। आप सोचिए, थोड़ा टाइम निकाल के आप सोचिए, ये बच्चा 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ऑलरेडी ये लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपए कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिया है और अभी उसकी ये हालत है कि उसका बेसिक एनसीईआरटी भी कवर्ड नहीं है, बेसिक एनसीईआरटी का भी वो टेस्ट दे रहा है तो उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अगले साल भी वो यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकता है। जब मैंने उसे पूछा कि तुमने दो साल में प्रीलिम्स के बारे में क्यों नहीं उतना मेहनत किया, क्यों नहीं ट्राई किया, तो उसने बोला कि सर, मैंने बहुत सारे टॉपर स्टॉक्स और सक्सेस स्टॉक्स देखे थे, सब टॉपर्स ने यही बोला था कि हम लास्ट 2-3 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी की थी और हमारा प्रीलिम्स निकल गया, तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 2-3 महीना काफी है, आप पूरा साल मेंस के बारे में पढ़ो, मेंस पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, टेस्ट सीरीज करो, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज करो, प्रीलिम्स तो 2-3 महीने में निकल जाता है। बट जब आज मैं पहली बार प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, हाई क्वालिटी लक्ष्य का टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, तब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं हुई है, मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो गया है। यही मिस्टेक 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं, खासकर जो एस्पिरेंट्स दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में ऐसा आपका माहौल बना दिया जाता है कि मेंस ही सब कुछ है, मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक बार तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगला रैंक वन तुम ही हो। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं, 99% ऑफ एस्पिरेंट्स जो मेंस का टेस्ट सीरीज देते हैं, 99% ऑफ द एस्पिरेंट जो फाउंडेशन बैच दिल्ली में करते हैं, वो कभी मेंस का एग्जाम ही नहीं देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 99% ऑफ एस्पिरेंट्स जो फाउंडेशन बैच करते हैं, जो मेंस का टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो कभी मेंस का एग्जाम ही नहीं दे पाते क्योंकि उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। गाइस, यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स ही सब कुछ है, 99% एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मेंस का एग्जाम ना बहुत ही डिफाइंड है, सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेंस में तो यार ऑप्शनल में ना आप 20 साल का पीवाईक्यू बना के चल जाओ, आप मेंस का ऑप्शनल फोड़ दोगे। मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, आप सिर्फ एक अच्छा नोट्स जुगाड़ कर लो, मेंस का अच्छा नोट्स जुगाड़ कर लो और नोट्स को रटो, बैठ के रटो, कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। जब तक आप प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, यदि आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो आप अपना पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हो, बस बर्बाद कर रहे हो। बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको मकान मालिक बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बट एक्सप्लॉइट वो नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको सही गाइडेंस नहीं है कि हमें कब क्या करना है। अब आप तैयारी स्टार्ट की, अब मेंस का टेस्ट सीरीज ले लोगे, ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज ले लोगे, तो ऑब्वियसली आप खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, ये आपको थोड़ा कड़वा लगेगा। मैं देखिए, आप, मैं आपके इंटरेस्ट में बात करना चाहता हूं, मैं आपको सही गाइडेंस देना चाहता हूं, सही चीज थोड़ी हो सकता है बिटर लग सके, बट ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं अभी रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट
लास्ट ईयर आई थिंक सिर्फ 40 बच्चे, पूरे 1000 बच्चों में सिर्फ 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपको क्यों लगता है क्यों सिर्फ 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ? बहुत लोग बोलते हैं कि लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। आप जाके देखो कितने बच्चों का प्रिलिम्स निकला था यार। आप देखो प्रिलिम्स और मेंस में क्या है ना, एक रेशियो है, उसमें हर 3 बच्चे में 1 बच्चे का मेंस निकल जाएगा, ठीक है? तो एक रेशियो है। सबसे बड़ा जो है ना प्रिलिम्स ही इनका नहीं निकल रहा है। जो भी बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा यूपीएससी नहीं निकल रहा है या हमारा यूपीएससी में चांस नहीं मिल पा रहा मेरे को निकलने का, सो मेन रीजन क्या है? प्रिलिम्स में उनका सारा अटेम्प्ट प्रिलिम्स में ही वेस्ट हो जा रहा है यार। आप सच बताओ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, यदि आपने 3-4 बार मेंस दे दिया ना, तो आपको स्टेट पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बच्चा जो मेंस लिख रहा है हर बच्चा आईएएस बन जाएगा। ऑब्वियसली हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, यदि कोई बच्चा बार बार मेंस लिख रहा है तो उसे स्टेट पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी फाइनेंस ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसका तो तय है, सिलेक्शन उसका तय है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टेट में भी आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बन जाते हो तो एटलीस्ट आप जो तैयारी कर रहे हो, जो अपना समय और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ उसका रिटर्न मिल जाएगा। बट आप यदि ये उल्टा फुल्टा स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि आप प्रीलिम्स को भाड़ में जाए, हम तो सीधे मेंस की तैयारी करेंगे, हम तो सीधे मेंस की टेस्ट सीरीज करेंगे, मेंस का ऑप्शनल बैच लगाएंगे और प्रीलिम्स का कोई पता ही नहीं है, तो आपका 3-4 साल प्रीलिम्स में ही वेस्ट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं, वो सीधे आपको मेंस का ख्वाब दिखाएंगे, सीधे आपको मेंस की टेस्ट सीरीज बेचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम भी दे रहे हैं कि नहीं। आप उनसे जाके पूछो कि कितने बच्चों का प्रीलिम्स में निकला, कितने बच्चे इनमें जो मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उनमें से कितने बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम भी क्वालिफाई किए, मेंस का एग्जाम भी दे पाए, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। गाइज आपको मैं बता रहा हूं, मेंस टेस्ट सीरीज 99.99% ऑफ द इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट ही चेक करता आपका पेपर। आप अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो मेंस टेस्ट सीरीज में? मेंस टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत ही नहीं है जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हो। आप बोलोगे सर क्या हम मेंस पढ़ना ही बंद कर दें, हम सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़े? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आप प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके तैयारी कीजिए। आप एक अच्छा नोट्स का जुगाड़ कीजिए। पहले हर टॉपिक का आपके पास 200-300-400 वर्ड्स में आपका नोट्स होना चाहिए, उसको आप रटिए। गाइज एज सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आया है मेंस का, ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, चैलेंजेस इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आपने 15 पॉइंट रटा हुआ आपका, तो वहां हाथ क्या बोलेगा? नहीं, तुमने मेंस टेस्ट सीरीज नहीं प्रैक्टिस किया तो मैं लिख नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। या मैं मानता हूं प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बट वो जो 90 डेज मिलता है जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आप मेंस का टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा। बट प्रिपरेशन करो, पहले मेंस का कंटेंट डेवलप करो, कंटेंट को रटो, क्योंकि वहां पे सारा पॉइंट मेरा रटा रहेगा तो मैं ऑब्वियसली 10 पॉइंट लिख दूंगा 14 में से। 10 पॉइंट यदि मैंने 14 पॉइंट रटा है तो 10 पॉइंट लिख दूंगा, पर मेरा मेंस ही कंटेंट अच्छा नहीं है, 2-3 पॉइंट भी मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूं, तो मैं कितना भी आंसर राइटिंग कर लूं मेरे को तो 2-3 पॉइंट ही रटा हुआ, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? तो गाइज आप ये मिस्टेक्स ना करें, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। इवैल्यूएशन प्रोग्राम, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एकदम कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर मनी है। आप जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है आप इन प्रोग्राम्स को ना ज्वाइन करें, आप अपना फोकस प्रीलिम्स में लगाएं, मेंस में तैयारी कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं मेंस की तैयारी नहीं कीजिए, आप मेंस का नोट्स ले लीजिए, आप हमारा मेंस मास्टर नोट्स भी यूज कर सकते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट का आपको लगता है कि हाँ इनका मेंस मास्टर मेंस नोट्स अच्छा है। हर टॉपिक का आप नोट्स ले लीजिए और एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में 6-7 महीनों में पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर लीजिए प्रीलिम्स मेंस लिंक करके। कैसे प्रीलिम्स मेंस लिंक करना है एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट में देख लीजिए मेंस के क्या क्या एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पूछा गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पूछा गया है, पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया है। तो साथ साथ तैयारी कीजिए। जब जुडिशियरी तैयारी कीजिए तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में तैयारी कीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में तैयारी कीजिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में तैयारी कीजिए, साथ साथ तैयारी कीजिए और ज्यादा आंसर राइटिंग के पीछे मत भागिए। यदि आंसर राइटिंग सीखना है तो हम डेली रात 10 बजे 1 घंटे का सेशन लेते हैं, रोज 5 आंसर मैं आपको डिस्कस करता हूं। आप 1 साल ये सेशन अटेंड कर लोगे, आपको कोई मेंस टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस टेस्ट सीरीज में फिर से बता रहा हूं, आपके जैसा एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स फेल कर रहा है वही आपका कॉपी चेक करता है। आपको अपना पैसा वेस्ट करना है तो मेंस का टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको अपना पैसा वेस्ट करना ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज दीजिए।
मैं तो बता रहा हूं मेरा जो एक्सपीरियंस है मेंस निकालने का, मैंने 4 बार मेंस निकाला है। मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट होना बहुत जरूरी है, कंटेंट इज किंग, कंटेंट रटा हुआ होना चाहिए। आपको बस वॉमिट करना है एग्जाम में, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 5 से 6 मिनट मिलता है। लोग बहुत कोई बोलते हैं हम रिसर्च करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, रटो और लिखो। मेंस के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। प्रीलिम्स में ही मार है, यहाँ प्रीलिम्स में बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे यदि 100 बच्चे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे इसमें 99% रिपीटर्स होते हैं जो ऑलरेडी दिल्ली से कोचिंग कर लिए हैं, फाउंडेशन बैच कर लिए हैं, बट उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। प्रीलिम्स को बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं दिल्ली में, और यही उनका फेलियर का कारण है। क्योंकि आप 2-3 साल यदि तैयारी कर लेते हो, कोचिंग कर लेते हो, दिल्ली में रह लेते हो, लाख लाख रुपए वेस्ट कर देते हो, और तब भी जब भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आपका मोरल बहुत गिर जाता है, मोटिवेशन बहुत गिर जाता है। उसके बाद आप कितना भी मेहनत कर लो, जब आपका मोरल ही डाउन हो गया, मोटिवेशन डाउन हो गया, मन में डाउट आ गया कि मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, तो आप कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करोगे। यूपीएससी का एग्जाम आप देखो, जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, बार बार मेंस क्वालिफाई करते हैं, और हर साल अपना रैंक इंप्रूव करते हैं। ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल्स होंगे कि हम प्रीलिम्स 5 साल से फेल कर रहे हैं, 6ठे अटेम्प्ट में डायरेक्टली रैंक 1 आ गए। बहुत कम होंगे, पर बहुत कम। 99% ऑफ द सक्सेस एग्जाम्पल्स आप देखोगे बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा, बार बार मेंस क्वालिफाई कर रहा, बार बार वो मेंस दे रहा है, बार बार इंटरव्यू दे रहा, और ऐसे ऐसे वो रैंक इंप्रूव करता। आप बहुत सारे टॉपर्स देखोगे कि पहले IRS निकाला, फिर IPS निकाला, फिर IAS निकाला। ये असली स्टोरी होती है। ऐसा नहीं होता कि 4 साल से प्रीलिम्स ही फेल कर रहे हैं, एक हम रैंक 1 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम को जितना जल्दी अंदर घुसेंगे मेंस में ना, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कोचिंग पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। आप 3-4 साल प्रीलिम्स फेल कर दीजिए, आप कोचिंग पे वल्नरेबल हो जाओगे, कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स को पहले फोकस करो। मैं आपको गाइड करूंगा, मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, 6 के 6 बार मैंने हाईएस्ट स्कोर किया है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ प्रीलिम्स निकालने में। अभी भी समय 2025 के एस्पिरेंट, जग जाओ, ये मेंस वेंस का चक्कर छोड़ो, मेंस टेस्ट सीरीज का चक्कर छोड़ो। ज्यादा मेंस पढ़ना है, मेंस मास्टर नोट्स तो डेली में टारगेट दे रहा हूं, उसको फुलफिल करो, तुम्हारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल जाएगा। तो गाइस ये है पहला रियल प्रिपरेशन टॉक, जहां मैंने रियल प्रॉब्लम्स बात की है उस स्टूडेंट की जिसने मेरे को हाल में कॉल किया था, अपनी स्टोरी बताई थी कि अभी वो पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, ऑलरेडी उसने मेंस का टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल का कोचिंग सब कुछ करके बैठा है, और अभी उसका प्रीलिम्स का ही ठिकाना नहीं है। ये उसकी 3री साल है, इतना पैसा उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, जिसका मैं बता रहा हूँ रिजल्ट 0/0 है, आउटकम उसका 0 है, क्योंकि उसने 2 साल पहले क्या आंसर लिखा उसको कोई वैल्यू है अभी, उसको भूल गया। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि थोड़ा सा पॉइंट्स बता दो मेंस का, उसको तो कुछ याद ही नहीं, बोला सर का मोटिवेशन ही नहीं आता मेंस का, प्रीलिम्स ही डर लग रहा है, प्रीलिम्स ही नहीं लिखा अभी तक मैंने। गाइस मेंस आंसर राइटिंग का तभी मोटिवेशन आएगा जब आपको पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा। यदि आप प्रीलिम्स में ही डाउट में है कि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, कितना भी मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो आपका पैसा पूरा कंप्लीट वेस्ट है। तो गाइस ये आपके इंटरेस्ट में मैंने जो बोला है, किसी को खराब लगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, बट ये रियलिटी है 99% ऑफ एस्पिरेंट्स की। टॉपर स्टॉक में जो बोला जाता है वो 99% की रियलिटी नहीं है। मैं ये टॉक मैं कंटिन्यू करूंगा, यदि इस पे रिस्पॉन्स अच्छा है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको लगा कि हाँ ये जो सर ने बोला है सच बोला है और सही बोला है, सही एडवाइस दिया है आपको, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि वी वांट मोर सच रियल प्रिपरेशन टॉक। इसका नाम है रियल RPT, रियल प्रिपरेशन टॉक। ये टॉक मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।